महज 11 सेकंड की इस वीडियो में स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए एक कपल बैठा हुआ है। फोटोग्राफर फोटो खींचने में व्यस्त है और सभी लोग फोटो खिंचाने में कि तभी दूल्हा दुल्हन की कुर्सी के पीछे से एक लड़की निकलती है और सोफे पर रखे एक पर्स को झटके से उठा कर ले जाती है। अब देखिए इस चोरी का दूसरा वीडियो जो दूसरे कैमरे में कैद हुआ है और उसमें शादी की स्टेज नजर आ रही है जिसमें दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचाने के लिए तमाम लोगों की भीड़ खड़ी हुई है। तभी उस भीड़ को चीर कर 23 कदमों से 14-15 साल की एक लड़की उसी पर्स के साथ दिखती है जो उसने चंद सेकंड पहले स्टेज पर रखे सोफे से उठाया था। वो पर्स लेकर लगभग दौड़ती हुई सी नजर आ रही है। ये आखिरी तस्वीर गाजियाबाद के कविनगर इलाके के सुख सागर फार्म हाउस के गेट की है जिससे वो लड़की कंधे पर एक पॉलिथीन बैग उठाकर भागती हुई दिख रही है जिसमें वो बैग है जो उसने स्टेज के सोफे से उठाया था। चोरी की तीन तस्वीरों में उस गैंग के चेहरे छिपे हैं जो दिल्ली एनसीआर की शादियों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ये गैंग छोटे बच्चों को ही इस काम के लिए किराए पर लेते हैं। ये वारदात गाजियाबाद के कारोबारी नितिन श्रीवास्तव की शादी में हुई है। नितिन के मुताबिक गहनों और रुपयों से भरा बैग उनकी माँ चंद सेकंड के लिए स्टेज पर छोड़कर गई थी और इतनी देर में इस शातिर चोरनी ने उस पर हाथ साफ कर दिया। दिल्ली एनसीआर की शादियों में ऐसी वारदात बेहद आम है। पीड़ित परिवार ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है और पुलिस सीसीटीवी की मदद से इस गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की वारदात सामने आई हो। इससे पहले भी ऐसी वारदात गाजियाबाद में हुई है और सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ हमेशा खाली रहते हैं।